थोड़े सिख देख के तुम डांगा मारिया सारा पंथ आ रहा इनू किनू डांगा मारे अस आवे भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली के वारस बन गए मार लियो जिन्या डांगा साढ़े मारनिया आत्मई असी किसी ने हाथ नहीं चकना मैं बेनती करूंगा चला लें दो इन्हों डांगा जिन्या डांगा चलाउंदे आ जो करते यानी हरप्रीत सिंह होना भी बयान दिता लिखत च कुछ फर्क आ बाद जो जांच कमेटी बनाई सामने आई गल पहला एस डी पी सी फिर कालता साहब फिर एस डी पी सी जदों गल सामने आई कि सरूप तो सची मुची गुम है साड़ी वह महान संस्था के मौजूदा प्रबंधक जेडे धन गुरु ग्रंथ साहब के सरूप नहीं संभाल सके उन्होंने पंथ की सेवा संभाल की करनी है इस गल का डर सी आखिर उही गल हुई दुनिया भर के जदों मैसेज गया सिख संगतां दे हिरदे बलूंदरे गए कि सचखंड श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब दे विच जिस तरह का अज वरतारा वरत्या बहुत दुखदाई गल है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो साड़ी महान संस्था साडे बजुर्गों ने शहादतां दे के होंद विच लियांदी गुरु घरां दे प्रबंध वास्ते मैं पहला भी बेनती कर चुका कि 100 साल पूरा होने तो पहला जिस तरह एक परिवार ने देते सियासी गलबा पाया तो अज इस कमेटी का भोग पा दिता पर धन गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूपों का व्यापारीकरण एडा वा घोटाला 328 फिर 400 गिणती स्पष्ट नहीं है देश विदेश वसदियां समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतान दास बलजीत सिंह दादूवाल वालों अदब सत्कार सहित वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह बड़े दुखी मन के नाल मैं आप संगतां दे नाल कुछ बचन सांझे करने चाहना जिस गल का डर सी आखिर उही गल हुई दुनिया भर के जदों मैसेज गया सिख संगतां दे हिरदे बलूंदरे गए कि सचखंड श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब दे विच जिस तरह का अज वरतारा वरत्या बहुत दुखदाई गल है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो साड़ी महान संस्था साडे बजुर्गों ने शहादतां दे के होंद विच लियांदी गुरु घरां दे प्रबंध वास्ते मैं पहला भी बेनती कर चुका कि 100 साल पूरा होने तो पहला जिस तरह एक परिवार ने देते सियासी गलबा पाया तो अज इस कमेटी का भोग पा दिता श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अज श्रोमणी गुरद्वारा घोटाला कमेटी बना दिती घोटाले सरोपिया के दालों के सब्जियां के तनखाहों के जां कुछ होर फंडा के बर्दाश्त किए जा सकते भावें कि भी बर्दाश्त करन दे काबल नहीं पर धन गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूपों का व्यापारीकरण एडा वड्डा घोटाला 328 फिर 400 गिणती स्पष्ट नहीं है साड़ी वो महान संस्था के मौजूदा प्रबंधक जेडे धन गुरु ग्रंथ साहब के सरूप नहीं संभाल सके उन्होंने पंथ की सेवा संभाल की करनी है उदा टारा मार के कहणगे कि असी पूरे संसार विच वसदे सिखां नूं रिप्रजेंट करते हैं सारयां दा ख्याल है पर अज धन गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूपां दा मसला जे गुरु ग्रंथ साहब के सरूप ही नहीं संभाल सके श्रोमणी कमेटी दे मुलाजम व्यापार करते रहे गुरु साहब के सरूपां दा 450 सरूप कनेडा की बंदरगाह दे उत्ते एस जी पी सी दे अहुदेदारां नूं उड़ीकदा रहा कि कदों आउण ते आ के संगतां दे विच जिहड़ा उह सरूप दित्ते जाण पर जदों ना गए तां फिर उत्थे उह सरूप लगाए जिहड़े सरूप सलाबे गए बेअदबी होई जिन्हां ने मंगाए उह वी जिम्मेवार जिन्हां ने भेजे उह वी जिम्मेवार जिहड़े नहीं गए उह वी जिम्मेवार सारे दोषी है सजावां मिलणियां जां गुरु ग्रंथ साहब तो पढ़े सरधादु सिख लई उजाड़ आ सिख लई उजाड़ आ साडे लई उजाड़ आ ते जे मौजूदा प्रबंधक गुरु ग्रंथ साहब दे सरूप नहीं संभाल सके होर इन्हां तों की आस कीती जा सकदी है फिर किस तरह सियासी बयानबाजियां कीतियां पहलां कहा गया कि सरूपां दे सरूप सारे हाजर आ लिखत च फर्क आ ज्ञानी हरप्रीत सिंह होना भी बयान दिता लिखत च कुछ फर्क आ बाद विच जदों जांच कमेटी बनाई
सामने आई गल पहला एस डी पी सी फिर कालता साहब फिर एस डी पी सी जदों गल सामने आई भी सरूप तां सची मुची गौमिया हिरदे बलूंदरे किथे गए क्यों दिते गए अज तक दोषियों नूं सजावां देण दी गल कीती फौजदारी मुकदमे करावांगे बाद च आपे ही फौजदारी मुकदमिया की लोड़ नहीं बाहरली एजेंसी नहीं दखल दो श्रोमणी कमेटी सक्षम अपने आप दे विच ताकतवर आ आपे सजा दे दूगी सारा कुछ संगतां ने देखिया दुनिया भर दे विच दुख होया अजे तक यह नहीं दस्या जा रहा सरूप है कित्थे ने कित्थे गए गुरु साहब के सरूप पंथ दे विच रोस पंथ ने विरोध किया इंसाफ मंगिया सजावां दिओ दोषियों जो बनदियां सरकार भी रली हुई है पंजाब दी नाल कोई ख्याल नहीं किया क्यों नहीं फौजदारी मुकदमे आम श्रद्धालु सिख ते उदों मुकदमा क्यों नहीं उन्होंने जिन्होंने गुरु साहब के सरूपां का व्यापारीकरण किया की वेख रही है सरकार पंजाब सरकार कैप्टन सरकार क्योंकि सलवटी बैठी है किनू उड़ीक रही है कि हुण बादल कैप्टन दोस्ती काम कर रही है कि वह गुरु साहब के सरूपां वेले भी ऐ करनगे हर मसले ते राजनीति बरगाड़ी दे सतगुर दे बेअदबी दे सरूपां दा अजे पूरा इंसाफ नहीं होया थोड़े चिर बाद थोड़े दोषी फड़ ले परंट लै ले फिर काम उत्थे दा उत्थे अखां च घट्टा पाया वक्ती तौर ते अथरू पूंजे फिर मसला उत्थे दा उत्थे जदों लोड़ होई राजनीतिक तौर ते सरकार उभार लूगी दोषियों नूं बचाया जा रहा कित्थे ने उह पैड़ां जिहड़ियां कहिंदे सी जांदियां ने दोषियों के घरों बादलों के घरों कित्थे ने हुण कौन ने दोषी है असीं नहीं कहिंदे किसी बेगुनाह नूं सज़ा मिले पर दोषी बख्शे जाण यह नहीं हो सकता दोषी नहीं बख्शे जाने चाहिए बेगुनाह फसना नहीं चाहिए जिन्ने वड्डे मुलाजम वड्डे अहुदेदार जिन्हां दे सारे लिफाफे खुलदे सी जिन्हां दे लिफाफियां चों प्रधान निकले एग्जैक्टिव निकली अज उह जिम्मेवार ने इस चीज़ वास्ते जिन्हां ने सियासी गलबा साडे पावन तख्तां ते साडी महान संस्था ते पाया जे आजादी नाल काम करदी मैंबर संगतां ने चुने मैंबर जाके आजादी नाल प्रधान चुणदे एग्जैक्टिव चुणदे आजादी नाल फैसले हुंदे सियासी गलबा ना हुंदा सियासी लोग अपनी सियासत करन मुबारक आ सानू कोई रोस नहीं धर्म च दखल दे के साडे धर्म का सत्यानाश किया साडियां श्रोमणी संस्थावां का साडे पावन तख्तां की मर्यादा का सत्यानाश कर दिता पर मैं बेनती की अपील की पंथ नू कौम नू हरेक नू हक आ गुरु साहब का कोई जथेबंदी कोई धड़ा पर इत्थे समुचे पंथ की गल है वास्ता रब का कोई कसर नहीं छड़ी मौजूदा प्रबंधकों ने बेअदबी की हर पक्षों अज पंथ ते डांगा लैके भी आ गए नरैणू महंत वांगू जिदा उन्हें भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली तो उन्होंने साथियों से हमला किया अज भी उस तरह जिदा हमला किया सख्त शब्दों मैं निंदा करदा बहुत माड़ा किया प्यार ना समझाया जा सकता जवाब दो पंथ तो मुआफी मंगो कौम तो मुआफी मंगो दोषी कटहरे च हो सारे नैतिकता के आधार से इस्तीफे दे दो केंद्र सरकार नूं भी चाहिए तुरंत इन भंग करके जेडे गुरु साहब के सरूप नहीं संभाल सके एस जी पी सी की चोण करा चंगे मैंबर संगत चुन वो आन जे चंगे मैंबर हूँ भी है सुनवाई नहीं चंगे मुलाजम सुनवाई कोई नहीं है नौकरिया के डांगा फड़ा देंगे हाथ में कुटो भरावान बच्चे पालने ड्यूटियां करते पर यहोजियां ड्यूटियां कादे वास्ते बहुत चंगे गुरमुख बैठे शहीद परिवारां दे भी विच नौजवान ने बच्चे बच्चियां ड्यूटी करते एस जी पी सी मजबूरी आ दुख झले आ चुल्हिया च घा उग गया हालात अनुसार अज रोजी रोटी दे लगे आ ड्यूटी करनी पैंदी हुक्म चाढ़ दिंदे उतले कुट्टो भरावां नूं डांगा चक लैंदे पर नहीं भरावां ते डांगा इस तरह नहीं चाहीदियां मैं बेनती करां दरबार साहब के रूहानीयत गुरमर्यादा कायम रहनी चाहिए है साडे मसले सिखां दे की आ गैर सिखां नूं कुछ नहीं लैना दुनिया के श्रद्धालु आउंदे आ साउथ चो आउंदे आ दखण चो आउंदे आ उत्तर पूर्व पछम चो आउंदे दुनिया चो आउंदे आ जिन्हां नूं साडे आ के रूहानीयत का केंद्र दरबार साहब दर्शन करन की मैसेज लैके जाणगे कि उत्थे आ कुछ हो रहा क्यों चलाईआं डांगां श्रोमणी कमेटी ने पर उन्हां वीरां नूं भी बेनती संघर्ष कर रहे भी इन्हां ने तां सत्यानाश करता तुसीं कुछ जाबता रखो गुरमर्यादा रूहानीयत नूं कायम रखण लई थोड़ी दूरी बना लो उन्हां स्थानां जे दीवान साहब हाल मंजी साहब दे विच इह कुछ होगा लंगर हाल च होगा जां गलियारे च इह कुछ होगा की मैसेज जाऊगा असीं प्रोटेस्ट करना रोस करना इंसाफ की मंग करनी है लैणा इन्हां नूं पासे करना
जिन्हां ने गुरु साहब के सरूपां की सेवा संभाल नहीं की पर कुछ जापते च रह के मैं श्रोमणी कमेटी नूं कहना चाहुंदा मौजूदा प्रबंधकां नूं साडी महान संस्था का तुसीं भोग पा दिता मौजूदा प्रबंधकां ने नैतिकता के आधार से इस्तीफे दे दिओ सरकार कार्रवाई करे जिन्हां की जगह जेल दीआं सलाखां पिछे जाण गुरु साहब के सरूप लभण सरूप कित्थे ने महाराज दे और नाल ही मैं कहना चाहुंदा कि रूहानीयत गुरमर्यादा नूं कायम रखना बहुत जरूरी सचखंड श्री दरबार साहब की सारिआं नूं बेनती जापते च रह के मर्यादा च रह के आपां दरबार साहब सचखंड श्री दरबार साहब की गुरमर्यादा रूहानीयत नूं कायम रखी हर सिख का फर्ज है हरेक नूं अज मौका वा कहण दा बोलण दा प्रोटेस्ट करन दा पर जापता है मौजूदा प्रबंधकां नूं मैं कहना चाहुंदा थोड़े सिख देख के तुसीं डांगा मारियां सारा पंथ आ रिहा किनू किनू डांगा मार असीं आवांगे भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली दे वारस बन के मार लियो जिन्नियां डांगा साडे मारनियां शांतमई असीं किसे ने हाथ नहीं चकना मैं बेनती करूंगा चला लैण दो इन्हां नूं डांगा जिन्नियां डांगा चलाउंदे आ जो करदे आ असीं सारिआं ने इस गल दा ख्याल रखना मर्यादा दा गुरु घर दी मर्यादा किसी भी गुर अस्थान की गल होवे तां सचखंड श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब की गल आ रूहानीयत दा केंद्र आ दरबार साहब ये उथे दी गल आ दुनिया च मैसेज जाना दरबार साहब तो गुरु ग्रंथ साहब तो परे सानू उजाड आ इस करके बेनती है सारिया जथेबंदियां सारे पंथ नो कि कृपा करके रूहानीयत गुरमर्यादा का ख्याल रखा जावे प्रोटेस्ट करना रोस करना साडा हक आ पर असी पूरा ख्याल रखना इन्हां लोकां ने कोई कसर नहीं छड्डी पर आपां इस चीज का जिहड़ा हैगा पूरा पूरा ख्याल रखना हर गल तो गुरमर्यादा का परंपरा का रूहानीयत का असी जिहड़ा इह ख्याल रख के ते इस प्रोटेस्ट नूं करना जो भी करना ते मैं बेनती करूंगा सारिआं नूं सारे सियाणे हो सत्कारयोग हो मेरे नाल सब दी वध सेवा वा पर मेरी बेनती अपील नूं प्रवान करियो कि दरबार साहब की रूहानीयत मर्यादा गुरमर्यादा का असी पूर्ण ख्याल रखना भावें उह धक्खा कर रहे आ पर इन्हां नूं इस गल का जवाब दे होना पऊगा नरैणू महंत मस्से रंगड़ ते मलक भागो दे वारसां नूं कोई कमी नहीं छड्डी इन्हां ने मौजूदा प्रबंधकां ने पर जिहड़े जिम्मेवार आ सारे उन्हां सारे छोटे मुलाजम ही नहीं वड्डे जिम्मेवार जिहड़े उह वी कटहरे च होने चाहीदे आ सियाणियां दी कहावत आ कहिंदे मझ मरदे चमजूआं मर जांदियां ने चमजूआं मारे ते मझ फिर चमजूआं पैदा कर दिंदी आ अज लोड़ आ कि जिन्हां लोकां ने सारा कुछ करप्ट कीता जिन्हां ने सियासी गलबा पाया उन्हां नूं पंथ दी सफा तो पासे करन दा समां वा इह बेनती मेरी प्रवान करियो सारिआं नूं भुल्ला चुक्कां दी कि मैं खिमा मंगदा सारिआं तों गुरु साहब दा धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा सारा हुक्म सामने रख के मान सन्मान सामने रख के फिर आपां ने कोई संघर्ष दी गल जिहड़ी आ होर जिन्ना वी रोस प्रोटेस्ट दी गल आ उह सारी करनी आ और सारिआं ने बेनती प्रवान करनी आउण वाले दिनां दे अंदर इन्हां चीज़ां दा पूर्ण तौर ते आपां ने ख्याल रखना तां कि जिहड़े दुनिया तों श्रद्धालू आउंदे आ जां दुनिया जिहड़ी गल जा रही दरबार साहब तों ऐसी गल ना जावे पहला ही 1984 वेले जो अटैक कांग्रेस सरकार ने किया अकाल तख्त साहब ढाया जां जो शहादत उत्थे कीतियां उहदे कर जिद्दां दा माहौल सी गैर सिख हुण आ के दर्शन करन लगे रूहानीयत लैण लगे उत्थों साडे फलसफे साडे इतिहास साडे गुरुआं बारे जानन लगे आ मुड़ इदां दा माहौल असीं आप पैदा ना करिए कि जिहड़ा हैगा इस तरह डांगो सोटी हो के पगो पगी कृपानो कृपानी हो के असीं अपना जलूस ना कढ़ीए संगतां जिहड़ियां आ रहीआं ने दर्शन करने वास्ते उन्हां ते माड़ा प्रभाव ना पवे भुल्लां चुक्कां दी खिमा सारिया संगतां दा बहुत धन्नवाद बेनती प्रवान करियो सब जथेबंदियां सब आगू सब जथेबंदियां सब सिख माई भाई बेनती प्रवान करियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।